दैनिक अग्निहोत्र। स्वर्ग कामो यजेत, नौर्ह वा एषा स्वर्गया यदग्निहोत्रम्। स्वर्ग अर्थात सुख, शांति, स्वास्थ्य, दीर्घायु, विद्या, बल, पुत्र, पशु, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति तथा मोक्ष तक पहुंचाने वाली नौका अग्निहोत्र ही है। इस कारण स्वर्ग के अभिलाषी को यज्ञ करना ही चाहिए। अथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अपने दाएं हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें। अब दायां हाथ धोकर शुद्ध करें। अब बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ की मध्यमा व अनामिका अंगुली से जल लेकर अंग स्पर्श करें। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। Yeah.
प्रति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः। अब दीप प्रज्वलन करें। ओम भूर्भुवः स्वः। अब दीपक से अग्नि लेकर मंत्र पूर्ण होने पर अग्नि कुंड में अग्नि स्थापन करें। ओम भूर्भुवः स्वर्गोरिव भूम्ना पृथिवी ववर्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना। अब तीन समिधाएं घी में डुबोकर क्रमशः मंत्रों के साथ अग्नि में चयन करें। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय से। अब दो मंत्रों के पश्चात एक समिधा की आहुति देवें। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् अव्याजुहोतन स्वाहा। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विश्व स्वाहा। इदमग्नेऽङ्गिरसे इदन्न मम। अब घी की इसी एक मंत्र के उच्चारण के साथ पांच आहुतियां देवे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्ध्यस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्ध्यस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्ध्यस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्ध्य
चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेरसे इदन्नमम। ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेरसे इदन्नमम। अब जल का पात्र लेकर पूर्व दिशा में जल सिंचन करें। ओम अदिते नुमन्यस्व। अब पश्चिम दिशा में जल सिंचन करें। ओम अनुमते नुमन्यस्व। अब उत्तर दिशा में जल सिंचन करें। ओम सरस्वत्य नुमन्यस्व। अब ईशान कोण से आरंभ करके चारों दिशाओं में जल सिंचन करें। ओम देव सविताः प्रसुवयज्ञम् प्रसुवयज्ञपतिम् भवाय दिव्यो गंधर्वाः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्वतिर्वाचम् नः स्वदतु। अब घी की चार आहुतियां प्रदान करें। इस मंत्र से वेदी के उत्तर भाग में अपनी ओर से सामने तक सीधी धार बनाते हुए आहुति देवें। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदन्नमम। इस मंत्र से वेदी के दक्षिण भाग में अपनी ओर से सामने तक सीधी धार बनाते हुए आहुति देवे। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्नमम। अब दो आहुति वेदी के मध्य में देवे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्नमम। अब घी और सामग्री से प्रातःकालीन आहुति देवे। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्य वचो ज्योतिर्वच अब सायंकालीन आहुति देवे। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। इस मंत्र को मन में बोलकर आहुति देवे। ओम अग्नि वर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाण अग्निर्वेतु स्वाहा।
नमः। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदम् आदित्याय व्यानाय इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदम् अग्निवाय वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ॐ आपो ज्योतिरसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा, ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम् विधेम स्वाहा। अब गायत्री मंत्र बोलकर तीन बार आहुति देवी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अंतिम तीन आहुति केवल घी की ही दें। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। Thank you.
शांतिर्ब्रह्म शांति।